होमोसेक्सुअलिटी, लैंगिक समस्या, इसके बारे में काफी सारे फोन कॉल्स मुझे आते रहते हैं। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने उनके स्टेटमेंट में यह कहा है कि लैंगिक समस्याओं के लिए कुछ भी उपचार करना, कोई भी तरह का उपचार करना, कन्वर्शन ट्रीटमेंट करना, यह इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी अप्रूव नहीं करता है। अभी सवाल यह आता है कि फिर जो लोग होमोसेक्सुअल है, जिनका इंक्लिनेशन, जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होमोसेक्सुअल है, और जो लोग तकलीफ में हैं, जिनको बहुत एंग्जाइटी है, उनको बहुत डिप्रेशन है, वो चाहते हैं कि नहीं मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है, जो चाहते हैं कि अभी मुझे शादी करना है लड़की के साथ में, जो चाहते हैं कि उनको एक दो बार ही उनका कांटेक्ट आया था होमोसेक्सुअल, बाद में आए भी नहीं है, मगर उनको लड़की की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, लड़कों की तरफ अट्रैक्शन है, मगर वो बहुत डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है। कुछ लोग तो सुसाइड करने की भी सोच रहे, सुसाइड अटेम्प्ट भी किए हुए हैं, उनको बार बार वही विचार आते रहते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये लोगों को हमने कोई भी ट्रीटमेंट कोई यदि करता है, एक्सप्लोर करता है, तो नहीं कैसे बोलना, या हमने ऐसा कैसे बोला कि नहीं नहीं इसके लिए कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज हम नहीं करेंगे। फिर क्या हम जो भारतीय संविधान में, हमारे देश के संविधान में एक जो राइट फॉर ट्रीटमेंट है, क्या हम वो डिनाय कर रहे हैं? तो इसका खुलासा इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी या नेशनल मेडिकल काउंसिल, इन्होंने करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है और बहुत फियर्सली वो एडवोकेट करते हैं कि नहीं नहीं ये तो कंटिन्यू होना चाहिए, ये बीमारी नहीं है। ठीक है, बीमारी नहीं है, सर, कोई सवाल ही नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये जीवन जीने का तरीका है, मगर जो उसमें खुश नहीं है, जो डिस्टर्ब है, जिनकी नींद खराब हो चुकी है, कोई भी कारण से उनको भी बदलना, उनका क्या, उन्हें क्या करना है? क्या उन्हें सुसाइड कर लेना है? क्या उनको हमने कोशिश नहीं करना इलाज करने की? तो ये बहुत बड़ा सवाल साइकेट्रिस्ट के सामने आज है। दूसरा सवाल यह आता है कि साइकेट्रिस्ट को, ठीक है, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी मना करती है कि नहीं करना चाहिए इलाज, मगर जो साइकेट्रिस्ट नहीं है और वो इलाज समझो करते, जो MBBS है या आयुर्वेदा में या होम्योपैथी में या नेचुरोपैथी में या और कोई भी पैथी में जो इलाज उनका कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन बंदी लाएगा? तो इसका भी आंसर देना जरूरी है। तो इसका भी आंसर अभी तक कोई मिला नहीं है। मैं इसका खुद एडवोकेट नहीं करता हूँ कि भाई इसका इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मेरा कोई मत नहीं है, ये बीमारी तो है नहीं। सवाल यह आता है कि इन्होंने कहाँ जाना है? तो या नेशनल मेडिकल काउंसिल बोलो, या इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, या IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो मेन ब्रांच है, उन्होंने इसके ऊपर और विचार मंथन करना चाहिए, इसके ऊपर रूल यदि है तो रूल भी बनाना चाहिए, ताकि लोगों को समझेगा कि ठीक है भाई, और इसके ऊपर फिर लोगों की जागरूकता करना कि नहीं नहीं हम इलाज नहीं कर सकते। सवाल ये आता है कि मेरे क्लिनिक में कोई आता है और बोलता है कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट करो आप, और मुझे ये एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है, मुझे अभी होमोसेक्सुअल नहीं रहने का है, और मुझे आप कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करो, वो एक्चुअली लिटरली बेग कर रहा है, वो बोल रहा है हाथ जोड़ के कि नहीं मेरा इलाज करो, मैं बहुत डिस्टर्ब, अदरवाइज मैं सुसाइड करूंगा। तो उसको मैंने क्या भगा देना चाहिए क्या? उसको मैंने ये रूल बताना चाहिए कि नहीं भैया तू नहीं अभी बदल सकता, तूने वहीं रहना है, ऐसा मैंने करना चाहिए क्या? तो इसके सवाल जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्हें देना बहुत जरूरी है। वो क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिटी आज इंडिया में नहीं है कि भाई इनका इलाज करना नहीं, इनका इलाज डिनाई करना है और इनको रवाना कर देने का, यानी हम इलाज नहीं करेंगे। उनका जो मूलभूत अधिकार संविधान में दिया है, राइट फॉर ट्रीटमेंट, क्या हम वो डिनाई करना है क्या? तो इसका आंसर यदि मिलता है तो साइकेट्रिस्ट लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है, ऑनलाइन कोर्स
उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।